हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ओल्डुआ चर्च बाजालिका के अंदर। यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है, फीस्ट चल रहा है। सेंट फ्रांसिस जेवियर माला का चार्जर से INRI को फुल फॉर्म देता है। INRI फुल फॉर्म टाइम है। हाँ, ऊपर आई फॉलोइंग और देख साउंड से सैन फ्रांसिस्को सैन जूलियन थोड़ा वो ना जी हाँ चल शाम होटल है। रुक 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 तो अभी हम जा रहे हैं चर्च के अंदर। तो अंदर से बहुत बड़ा चर्च है जिसकी हाइट बहुत बड़ी है, और भी हम पहुंच चुके हैं उसके अंदर। ये सेंट फ्रांसिस जेवियर तो ये सेंट फ्रांसिस जेवियर की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, और यहाँ पे लोग माला और कैंडल्स चढ़ाते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, माला पाव करते हैं। तुम पहला दाग दौड़ कौन जाना था मैंने एड्रेस बता दे। मैं गया नहीं नहा था मैं। 2 मिनट भी जा। अभी हम ओल्ड गोवा चर्च के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पे बहुत लोग बैठे हैं, ये पिकनिक बना रहे हैं सब। तो अभी बहुत ज़्यादा लाइन में रुक के हम पहुंचने ही वाले हैं अंदर। तो गाइस, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, किसी का फ़ोन भी छीन के ले लिया गया था। तो अभी आपको बाहर से दिखा देता हूँ
यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैचू हैं। अलादीन का जिराल देखो, मेरा भैंस इधर गाय के बाड़े में पहले वीडियो से गाय के बाड़े में गाय क्रिस्टल ने गाय नहीं मारे खासी गाय गंदो और अच्छी बस एक दुकान में तो देखने दे मैंने मेड इन पोर्चुगल, पोर्चुगल में बना हुआ है। फोटो लेना है पे बहुत से छोटे छोटे तस्वीर स्टैचूज है जो जीसस के और सेंट फ्रांसिस जेवियर के, और ये बाइबल और बुक भी बहुत हैं। हेलो चल आगे चल। हाँ
हमें इसे ये फो वाला दे दूँ। यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। वो दरवाजे से एग्जिट है, वहाँ पे टॉयलेट है, वो नाले में। तो हम बेजेलिका चर्च के बाहर आ चुके हैं और अभी हम वापस बाहर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लड्डू ऐसे कुछ कुछ मिलते हैं जो हम ले रहे हैं। मैं इलाई थी यहाँ पे पार्क है, वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यह है कुआ, तो हेलो गाइस, तो यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मना रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत लोग सो रहे खा रहे सब लोग पिकनिक मना रहे हैं। ये देखो गुब्बारा बेच रहा है, कुछ पता नहीं क्या बेच रहा है, कितने का है कुछ कैंडी। दे दे फोटो दे, 20 रुपये का एक था पर हमको नहीं चाहिए था, हमने सिर्फ रेट पूछी थी उसकी। तो यहाँ पे बहुत लोग है, देख सकते हैं पूरा पार्क भरा हुआ है और लोग क्या है कचरा बहुत फैला देते हैं, वही एक बुरी बात है और कुछ नहीं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप यहाँ पे आओ तो कचरा भी लेके जाना और सारे दोस्तों को बांटना। We'll be right back.